यहीं बोलना है, यहीं पे आके बेबी हुआ है। 18 साल हो गया शादी में, इसका पहले तो बच्चा हुआ नहीं। ये मैम के पास में आए दिखाने के बाद में एक ठो लड़की हुआ। मैम अच्छा है। कौन भेजा था आपको यहाँ पे इस क्लिनिक में? बासु चक्रवर्ती भेजे थे वही सर। अच्छा अच्छा। हाँ, खाना पड़ा से। कब की बात है, कौन से साल? 2014 का। 2014 और 2015 में पाँचवा महीना महीना में एक लड़की हुआ। अच्छा। तुमको प्रॉब्लम क्या था? हमारा ट्यूमर था, ट्यूमर की वजह से बच्चा नहीं हो रहा था। कहाँ ट्यूमर? हमारा पेट में है, बस दाने के अंदर। अच्छा अच्छा। फिर दिखाने से हुआ, लड़की हुआ, मैम देखी तो। तो ट्यूमर अभी भी है कि निकाल दिए? नहीं है, ट्यूमर है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? एक और बच्चा साथ ही फिर लड़का हो। तो लड़का होगा, कोई गारंटी तो नहीं है? मैम यदि चाहेगा तो होगा। नहीं नहीं, वो तो यहाँ कानूनन जुर्म है। नहीं, जुर्म तो फिर है। आपको पता है ना ये कानूनन जुर्म है? ये तो जुर्म है, मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग उसका एक लड़की तो लिए हैं आपके यहाँ से। लिए नहीं, भगवान जी दिए है आपको। हाँ, भगवान जी दिए, आपका आशीर्वाद है, भगवान जी का दुआ का हुआ। ठीक है, तो आपका क्या एक चांस में ही सक्सेस हो गया? बेटी का नाम क्या है? इसका नाम ज्योति। बहुत सुंदर नाम है, बहुत अच्छा। करते क्या है आप? कारपेंटर, लकड़ी का। तो आपको क्या लगता है, IVF महंगा इलाज है? देखिए, वैसा तो कुछ नहीं, जब हमको एक चांस में हमारा बच्चा रह गया तो वैसा कुछ नहीं, हम लोग ये हुआ, हम खुशी है। तो आपको लगता नहीं है कि महंगा है? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है, नहीं कोई खास ज्यादा उस समय तो लिए नहीं थे। जो काम के लिए आया था कमला हो गया, हमारा पास में तो वैसा महंगा नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इलाज महंगा तो है इंडिया के हिसाब से, पर अगर जब बच्चा मिल जाता है तो उसके आगे तो रुपया कुछ नहीं है। हाँ। यही इसी आशा लेकर के आए हैं कि एक बार